Hi everyone. So nowadays it's very common. We have consultations, बहुत सारे consultations daily होते रहते हैं, online, physical. लोगों से बात करते हैं भाई, सलाद सैलेड खाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं खा पाते. फ्रूट खाते हो? नहीं खा पाते. एक्सरसाइज करते हो? सर टाइम नहीं मिलता, करते नहीं. सो दिस, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है, मोटे हो रहे हो, दिक्कत हो रही है, तो लेट मी गिव यू अ फ्यू टिप्स. तो स्टार्ट विथ है, को करना तो सब कुछ चाहिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना. सो बट नहीं कर रही, नहीं कर रहे, तो क्या करें? मिनिमम ये तो कर सकते हो, मतलब कितने भी मोटे हो, कितने भी ओबेस हो, इफ़ यू हैव मिनिमाइज, बिल्कुल बहुत ही कम मसल है तो भी कर सकते हो. उम्र भी कितनी भी हो, कोई भी कर सकता है. दिस इज वॉट यू नीड टू डू, वॉट यू नीड टू डू. लेट्स टॉक फॉर टुडे, ओके? सो लेट्स डू सम बहाने. नंबर वन, कैसा करना है? इंस्टेड ऑफ, अगर आपका कोई काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला चेंज जो मैंने खुद ने पर्सनली किया, आई स्टॉप्ड यूजिंग द शावर. मैं शावर यूज़ करना बंद कर दिया, मैं बाल्टी से नहाने लगा. अब बाल्टी से नहा रहा हूँ और बैठ के नहीं नहा रहा, खड़े खड़े नहा रहा हूँ. सो एवरी टाइम आई नीड टू टेक द वाटर, मेरे को पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा पड़ेगा. सो पानी लेने के लिए मग्गे में, जो मग है उसमें मेरे को नीचे जाना पड़ेगा. एंड नीचे झुकने के लिए नाउ कम्स द पोस्चर. अब वहां पे आपको सही तरीके से झुकना है, दैट इज द आइडिया. तो ये आदत सुधारने वाली बात है, क्योंकि अच्छी हेल्थ, अच्छी फिटनेस, अच्छे पोस्चर से आएगी. और अगर आप उस समय अपनी पीठ को झुका रहे हो, पीठ को झुका रहे हो सामान लेने के लिए, तो आप गलती कर रहे हो. तो आपको पीठ को नहीं झुकाना है, आपको पीठ को नहीं झुकाना है, आपको अपनी घुटने मोड़ के नीचे स्क्वाट करना है. स्क्वाट तो समझता ही है कि नहीं? पीठ झुकाए बगैर पीठ स्ट्रेट रख के नीचे जाना है, पीठ स्ट्रेट रख के नीचे जाना है, आपको स्क्वाट करना है. आपको ये नहीं करना है, ठीक है? आपको ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे सामान उठा रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इससे आपकी पीठ क्या होगी. अब मेरी पीठ तो भाई आदत पड़ गई है मेरे को भी सीधा रहने की, बोले ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. तो you have to bend your knees, so bend your knees, keep your back straight and go down, then you take it and come back. So kya ho gaya, ek squat ho gaya, half squat hua, koi baat nahi, pura squat kar lo, niche chale jao, pura squat kar lo. Kya ho, ek patient ke bare mein puchna tha. Kaun? Rajesh patient. Ha, uski kya condition chal rahi hai? Same hai, theek hai, stable. Ha, oxygen pe chal raha hai. Ha, but oxygen pe stable. सो हमने क्या किया, हमने इंस्टेड ऑफ बेंडिंग, ये अपना हिप को बेंडिंग करना है, हिप को स्ट्रेट रखना है, मग्गा लेना है, नीचे जाना है, उठाना है ऊपर, स्क्वाट. क्या हो गया, स्क्वाट हो गया, है कि नहीं? ऐसे हमारा नहाते समय 10-20 स्क्वाट हो गए. सो नहाते नहाते ही आपके 20-25-30 स्क्वाट हो जाएंगे. इसमें पूरा ऊपर लॉक पत करना नीज, सो अच्छा है. ठंडे ठंडे पानी से मत नहाना, राइट? ठंडा पानी प्लस वेट एक्सरसाइज. अभी नहीं कर पाते हो बहुत, अगर आप बुजुर्ग हो नहीं कर पाते हो तो मत करना. तो जो यंग हो, बहाने से तो स्क्वाट कर लोगे, है कि नहीं? स्क्वाट हो गए. उसके बाद जो हम सेकंड चीज करिए, कि हम लिफ्ट लेना बंद कर दिए, लिफ्ट नहीं लेते अब, चाहे 2 फ्लोर 4 फ्लोर चढ़ने पड़े, चढ़ेंगे और चढ़ रहे हैं. ये दूसरा बहाना आपका. तीसरा बहाना हमने क्या किया, कि जो दरवाजे हैं, दरवाजे, जब भी हम दरवाज़ा क्रॉस करते हैं, जब भी याद आता है, कई बार भूल जाता है आदमी, जल्दबाजी में होता है, पेशेंट आ गया, दौड़ना पड़ रहा है, तो जब भी हम दरवाजे क्रॉस करते हैं, हम दरवाजे को पकड़ लेते हैं, और दरवाजे को पकड़ के हम जंप करना शुरू कर देते हैं. हम सीधा से दरवाजा क्रॉस आ रहा है, हमने दरवाज़ा पकड़ लिया और सीधा जंप, दिस इज जंप, सिंपल जंप. हमें क्या किया, हमने अपर बॉडी को फिक्स कर दिया, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस इन द अपर बॉडी, राइट? जो लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं ना, उनमें साइड इफेक्ट होता है, बॉडी टेंड टू, यू नो, बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन द ग्रेविटी, समटाइम्स द मसल्स ऑल्सो टेंड टू, यू नो, सैग डाउन डाउन डाउन. सो वी डोंट वॉन्ट दैट. हमें लंबे लोगों को नहीं चाहिए. सो वी यूज टू, वी हमें उसको पकड़ लिया दरवाजे को, तो ऊपर की बॉडी को स्टेबल करके नीचे की बॉडी हम जंप करा रहे हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू जंप, जस्ट आप काफ को ऊपर कर सकते हो ना, बस यू कैन डू दोज काफ एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो कर सकते हो, सिंपल सिंपल. सो
कहने का मतलब है दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सरसाइज राइट. देन द बेस्ट अनदर और कोई वो क्या होता है, जब भी आपको फोन कॉल आ रहा है पता ही है सबको, वॉक व्हेन यू टॉक है ना, वॉक व्हेन यू टॉक. फोन आ रहा है, कॉल पे बात हो रही है, बैठे बैठे मत करो, खड़े हो जाओ. इफ यू डोंट हैव स्पेस टू वॉक, स्टैंड एंड टॉक. एंड वेन एवर यू स्टैंड डोंट लॉक योर नीज, तब आपकी मसल इन्वॉल्व होगी. जब आप खड़े होते हो नीज लॉक कर देते हो, योर मसल के ऊपर से एक्टिवेशन गोज अवे. सो जब आप मसल के एक्टिवेशन, तो मसल काम ही नहीं कर रही है तो बर्न कैसे करेगी, एनर्जी कैसे यूज करेगी. सो खड़े हो रहे हो, घुटने लॉक मत करो, थोड़े से बेंड करो हल्के से. सो मसल इन्वॉल्व होगी, मसल एनर्जी यूज करेगी. दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड. उस समय यू कैन इवन प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ योगा, एक पैर पे खड़े होके अगर वो करना है ये करना है, यू कैन डू दैट, नॉट सो मच. पर क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बॉडी पोस्चर बहुत ज़रूरी है, पोस्चर पे बैठने का पोस्चर, खड़े होने का पोस्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब लेटते हो एक बार, लेटते हो एक बार प्लैंक करने की कोशिश करो, अपने आप को सिर्फ ऊपर उठाने की कोशिश करो. एक बार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हो गया कितने सेकंड हो रहा, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड कर लो. अगले दिन फिर कर लेना, अगले दिन फिर, एक ही बार करो, मन करे दो बार तीन बार कर लो. सो इफ यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बहाने से सही एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, एक ढंग की शुरुआत होगी, आदत होनी शुरू होगी. उसके बाद क्या होगा, चार फ्लोर भी चढ़ोगे तो सांस नहीं फूलेगा, वरना पहले एक ज़माना था सांस फूलता था, मेरा भी फूलता था. अब मैं चार फ्लोर आज दो बार चढ़ो, कुछ नहीं हुआ, नो सांस फूलना, नो दिक्कत. व्हाई डज दैट हैपन, बिकॉज आपकी बॉडी को आदत नहीं है, यू डोंट हैव दैट आदत इन योर मसल्स. सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अच्छे लगे फॉलो करना. इफ़ यू थिंक किसी का भला हो सकता है, इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.